वहीं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर पांच जिलों के किसानों ने प्रदर्शन किया है। पांच जिले कौन से हैं? हिसार, पासलगता, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद और जींद के किसान इकट्ठा हुए। किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया, तस्वीरें भी आप साथ में देख सकते हैं। किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया, किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसानों ने लघु सचिवालय स्थित कमिश्नर कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। जिला प्रशासन ने लघु सचिवालय के गेट बंद किए, पुलिस फोर्सेस तैनात की गई, आरएएफ को भी तैनात किया गया। किसानों और प्रशासन के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखी गई, आमने सामने की स्थिति भी बनी। किसानों की पांच प्रमुख मांगे रखी। इन मांगों में गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसलों की जल्द विशेष गिरदावरी करवाई जाए, मुआवजा दिया जाए, पहली मांग। डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, दूसरी मांग। बाजरा और मूंग की सरकारी खरीद की जाए, जो कि सरकार का दावा भी है कि हम बाजरे और मूंग की सरकारी खरीद करते हैं, वो वादे के अनुरूप किया भी जाए, ये भी किसानों की मांग थी। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमत कम की जाए, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, ये भी इसमें शामिल किया गया। सुनिए, आज का किसानों का अंदर बोल रोड है कि किसानों को जो कपास का खेती है इसी में बड़ा पैमाने पे बर्बाद हुआ है और 100% से ज्यादा किसानों का नुकसान हुआ है और इसी का कारण ये जो कीड़ा का आक्रमण है, ये गुलाब जो सुंडी का जो बहुत बड़ा पैमाने पे किसानों को नुकसान हुआ। 50,000-60,000 रुपया का खर्चा इसी में आएगा, किसान कर्जा में डूबेगा। और यहाँ एक सरकार है वो अंधा है, सरकार ये मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा, इसलिए किसानों को बार बार मांगने के बाद भी यहाँ का सही तरीके गुर्दा दे। हिसार से हमारे संवाददाता सज्जन चौधरी फोन लाइन पर है। सज्जन, क्या कुछ रहा, चूंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में किसान थे अपनी मांगों को लेकर। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए ये हरियाणा के जो पांच जिले हैं, हिसार कमिश्नरी के अंदर जो आते हैं, तो जो पांच जिलों के किसान हैं वो कमिश्नर के जो ऑफिस है उसका घेराव करने के लिए लघु सचिवालय पर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन को इसकी सूचना पहले ही होने के कारण जो लघु सचिवालय के गेट हैं वो बंद कर दिए गए थे। किसानों ने वहां बाहर बैठकर नारेबाजी की है और किसानों की जो पांच मांगे हैं वो प्रमुख है, जिनमें जो कपास की फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दिए जाने के अलावा अगर खाद की बात की जाए तो खाद की आपूर्ति को पूरा करना, उसके साथ साथ जो डीजल पेट्रोल है उसमें कमी लाई जाए, ये प्रमुख उनकी मांगे रही हैं। काफी देर, करीब करीब 1.5 से 2 घंटे किसानों ने वहां पर प्रदर्शन किया है और आगामी रणनीति को लेकर किसानों ने बताया है कि अगर उनकी मांगे जल्द ही नहीं मानी गई है तो वो खंड लेवल पर भी सभी जो अधिकारी हैं उनका घेराव करेंगे और ये जो आंदोलन है इसको और ज्यादा तेज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सजनी, पूरी जानकारी आपने दी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार से, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद के किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया मुख्य तौर पर अपनी पांच बड़ी मांगों को लेकर। ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई, किसानों की ओर से नारेबाजी की गई है। तो डीपी खाद की किल्लत ना हो, बाजरे और मूंग की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए, गुलाबी सुंडी से जो फसलें खराब हुई है उनकी स्पेशल गिरदावरी करा, उनका मुआवजा किसानों को दिया जाए और उसमें बड़ी बात यह कि तीनों कृषि कानून वापस हों, ये मांग भी किसानों की ओर से शामिल की गई। डीजल का रेट कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, क्योंकि डीजल का दाम बढ़ेगा तो जाहिर है फसलों की जो लागत है वो भी ज़्यादा होगी, तो डीजल के दाम कम किए जाएं, ये मांग भी किसानों की ओर से की गई। पांच जिलों के किसान, पांच मुख्य मांगों के साथ प्रदर्शन किया गया। प्रशासन की ओर से एहतियातन बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं हिसार से, उस वक्त क्या स्थिति बनी ये भी हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, किसान नेता को भी आपने सुना था विस्तार से अपनी मांगे, उनकी ओर से बताई गई थी बर्बाद फसल की गिरदावरी करा, मुआवजा दिया जाए, डीएपी खाद जितनी जरूरत के उतनी मिल पाए ये सरकार सुनिश्चित करे, विभाग सुनिश्चित करे। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, तो ये पांच जिलों के किसान भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी इनकी ओर से की गई है, हल्ला बोल किसानों का रहा।